अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एहसन खान और मैं सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तानी ड्रामास को। तो आप भी सब्सक्राइब करें बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामास, और मेरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा, रीवाइंड विद समीना पीरजादा। वो तंजीला को मारना चाहती है क्या? ये क्या है तू? जुबान खींच लूंगा मैं तेरी। तंजीला को कुछ नहीं होना चाहिए, तंजीला को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे 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 मारने से कुछ नहीं होगा आदर। उसने मुझसे तंजीला पे फायरिंग भी कराई थी, लेकिन उस फायरिंग में तंजीला मेरे हाथों बच गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आपको तंजीला को बचाना होगा। तंजीला बीबी, आप ठीक तो है ना? सर, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अब्दुल्ला आओ। ठीक तो हो तंजीला? नौरीन थी, नौरीन। जानता आप जानते इसका मतलब आपको पहले से पता था? नहीं, मुझे भी आज ही पता चला, और जब पता चला तो मैं तुम्हारे लिए भागा आया। नौरीन ने अपने फर्जी शोहर के साथ मिलकर मुझे उसके कत्ल में फंसाने का प्लान बनाया था। लेकिन उस्मान को उस पर शक था। उस्मान काफी अरसे से इस मामले को देख रहा था। आप सबको जानते थे, फिर भी मेरे पूछने पर आप मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम पर फायरिंग हुई थी। तंजीला, तुमने खुद को मुझसे इतना दूर क्यों कर लिया? क्यों? मैं
मैं और तुम एक दूसरे की परछाई हैं तंजीला। हमारी हमारी तो रूहें एक दूसरे में बसती हैं तंजीला। ये सब क्या है? ये नूरैन यहां? हानिया, ये नूरैन नहीं, नौरीन थी। हाँ, जो हमसे अपना बदला लेने आई थी। मुझे और तंजीला से वो जेल में जलकर मरी नहीं थी, बल्कि बच गई थी। आसमान खुदा का लाख लाख शुक्र है, तंजीला बिल्कुल ठीक है। लेकिन घाट की गोली लगने से नौरीन की डेथ हो गई। मामू जान की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने तो तुमसे हमेशा मोहब्बत की, हमेशा नफरत की। और इसी नफरत की आग में तुम जल गई।
खातिर आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं वो यहां रही हम सबके बीच, किसी को उस पर शक नहीं। मैं इतना बड़ा गलत फैसला कैसे कर सकता हूं? मैंने उसे घर में रहने की इजाजत दी, कैसे? आतिर, वो एक साजिश थी जिसका हम सब शिकार हुए। उस फैमिली की वजह से घर बर्बाद हुआ। नौरीन ने अंकल के साथ क्या क्या नहीं किया, क्या भूल गए? फैमिली ने नहीं, नौरीन ने, उसकी मां ने। इसमें बाकियों का क्या कसूर? आतिर, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। अगर तमसीला इस घर में ना होती तो नौरीन कभी भी इस घर में नहीं होती। तमसीला पर इस वक्त क्या गुजर रही है? बजाय उसे दिलासा देने के तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए बोझ है? आतिर, आप मुझे गलत समझ, मेरे दिल में तमसीला के लिए हमदर्दी है, लेकिन इस हमदर्दी की वजह से सच्चाई को तो नहीं बदला जा सकता ना। और सच्चाई यही है कि अगर तंजीला यहां ना होती तो नौरीन कभी भी इस घर में नहीं आती। तुमने हमेशा मुझसे दुश्मनी की नौरी, लेकिन मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? उसकी जान तो ना लेती। आंसू की छुपा रहे, आंसू और मोहब्बत छुपाने से भी नहीं छुप, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। ये तो बताओ जरा, ये आंसू मामूजात की मौत के दुख के हैं या फिर अपनी दुश्मन की मौत की खुशी में? आंसू कभी किसी की मौत की खुशी में नहीं बह जाते। मौत किसी अपने की हो या दुश्मन की, तकलीफ दे ही होती है। बस, मैं तुमसे मौत की फिलॉसफी जानने नहीं आई, बल्कि ये पूछने आई हूं कि नीचे हाथों में हाथ डाले आतिर के साथ तुम क्या कर रही थी, वो भी नौरीन की लाश के आगे? अरे कम से कम उसकी लाश का तो लिहाज किया होता तुमने। कैसी बातें कर रही हो आर्या? मैं घबरा डर गई थी, घबराहट में आतिर को गले लगा लिया। अरे साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें बाहर नहीं चाहिए उसे चिपकने के। बस आन्या, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, कितना गंद और खलासत भरी है तुम्हारे अंदर।
नाते से मोहब्बत के बहुत दावे करती हो। इसीलिए उनसे नौरीन की हकीकत छुपाई। उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हें मालूम था वो नौरीन, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि तुम उसके राजदार रही हो। आतिर ने तुम्हारी फिक्र में तुम्हें खुशी देने के लिए तुमसे शादी की। तुमने क्या किया? उनके जज्बे की कदर नहीं की, उन्हें अनजान रखा। मैं चाहती तो आतिर को सब कुछ बता सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ तुम्हारी खातिर, क्योंकि मरते हुए को मारना ना तो मेरी फितरत में है और ना ही मेरी तरबियत में। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूं जिससे तुम्हें तकलीफ हो,